जब वो प्रॉपरली अपनी सोशल और इकनॉमिक जो ड्यूटीज़ हैं उनको प्रॉपरली परफॉर्म कर सके सो इन स्टेट बेसिकली द इकनॉमिक दे आर कंट्रोल बाय द स्टेट अलोन वाइल इन द लिबरल कॉपोरेशन सच कंट्रोल इज शेयर्ड एंटिटी बिटवीन स्टेट एंड अदर वॉल्टरली ऑर्गेनाइज ग्रुप्स जहाँ हम देखते हैं कि रवायती तौर पर जो स्टेट का कॉन्सेप्ट था जहाँ सारी की सारी ड्यूटीज़ जो हैं वो स्टेट को ही परफॉर्म करनी थी वेदर दे आर सोशल वेदर दे आर इकनॉमिक लेकिन फिर वक्त के साथ साथ ये हुआ कि कुछ और ऑर्गेनाइजेशन भी इन्वॉल्व हुई और उन्होंने स्टेट का बर्डन जो है वो शेयर करना शुरू कर दिया लेकिन द मेन फोकस ऑफ द वेलफेयर स्टेट इज़ ऑन द मैटर्स ऑफ पॉपुलेशन का कवरेज रोल ऑफ मार्केट टारगेट पॉपुलेशन डी कोमोडिफिकेशन फेमिलाइजेशन और ये सब मामला जो थे कि किस तरीके से रियासत को अपने मुल्क के अंदर अपनी हदूद के अंदर पावर्टी को कम करना है अपने लोगों की बुनियादी ज़रूरियात का ख़्याल रखना है और फिर लोगों के मैार ज़िंदगी को इस लेवल पर लेकर आना है कि जहाँ उन्हें उनकी बुनियादी ज़रूरियात जो हैं वो हासिल हो सके। देखिए वेलफेयर स्टेट जो है वो एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो अगर वेस्ट में लिबरल डेमोक्रेसीज़ में प्रैक्टिस हो रहा है तो और बहुत सारी ऐसी डेमोक्रेसीज हैं जो वेस्ट के मॉडल पर तो काम नहीं कर रही लेकिन वो अपने लोगों को पावर्टी लाइन से ऊपर लाने के लिए बकायदा उन्होंने प्लान किया जिसमें हम चीन की एग्जांपल दे सकते हैं कि सबसे बड़ी दुनिया की आबादी को उन्होंने प्रॉपर प्लानिंग प्रॉपर स्टेट ड्यूटीज़ को परफॉर्म करते हुए एक बकायदा स्ट्रेटजी डिज़ाइन की फिर उसको इम्प्लीमेंट किया और मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन को उन्होंने पावर्टी लाइन से ऊपर ले आए ठीक है अब उनकी एग्जांपल पूरी दुनिया के लिए है कि अगर स्टेट चाहे और वो खुद अपने रोल को एज वेलफेयर स्टेट कन्वर्ट कर ले यानी वो ख़ुद को लिमिटेड ना रखे सिर्फ स्टेट सिक्योरिटी के मामला तक या अपनी पावर को लोगों के ऊपर यूज़ करने के लिए बल्कि वो अपने रोल को इस तरीके से कन्वर्ट कर ले ट्रांसफॉर्म कर ले कि जहाँ वो डिलीवर करे अपने लोगों को सबसे पहले क्या डिलीवरी रिक्वायर्ड है फ्रॉम द वेलफेयर स्टेट दैट इज़ सोशल जस्टिस के सारे लोगों को इक्वली ट्रीट किया जाएगा रूल ऑफ लॉ होगा रूल ऑफ लॉ जब होगा तो इसका मतलब होगा कि एवरी वन विल थिंक दैट ही और शी इज़ द पार्ट ऑफ द ऑफ दैट स्टेट जब वो मुतमीन होंगे अपनी स्टेट के डिलीवरी मेकनिज़म से तो देन डेफिनेटली दे विल बी इन अपोजिशन टू परफॉर्म देयर ड्यूटीज़ कि जब कानून की हुक्मरानी होगी लोग मुतमिन होंगे तो हर फर्ज जो है वो अपने रोल को ज़्यादा से ज़्यादा इफ़ेक्टिवली परफॉर्म करने की कोशिश करेगा तो यहाँ क्या चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि स्टेट अपने रोल को कैसे डिफाइन करती है वो अपने जुम्मे कौन सी ड्यूटीज़ जो है वो ओन करती है और जाहिर है स्टेट से मुराद वो लोग हैं जो उसको रन कर रहे हैं स्टेट के अंदर वो अथॉरिटी जिसके पास ये पावर्स हैं वो हुकूमत है हुकूमत के साथ बहुत सारे अदारे हैं जो मिलकर एक प्रॉपर मेकनिज़म डिज़ाइन करते हैं जो स्टेट को एक वेलफेयर स्टेट का स्टेटस जो है वो देते हैं आज दुनिया के अंदर मुख्तलिफ़ पैटर्न हैं जिनका नाम लिया जाता है ज़रूरी नहीं है कि यही पैटर्न हो लेकिन चूँकि जो फेमस हैं जिनके बारे में बात होती है वो कौन से हैं देर द लिबरल वेलफेयर स्टेट्स लिबरल वेलफेयर स्टेट्स हम जानते हैं कि ज़्यादातर जो वेस्ट में जो डेमोक्रेटिक सिस्टम्स हैं वो खुद को ये नाम देते हैं कि दे आर लिबरल वेलफेयर स्टेट्स दैन सोशल डेमोक्रेटिक वेलफेयर स्टेट्स कि वो सारी रियासतें जहाँ लोगों का कॉन्ट्रीब्यूशन है लोगों को प्रॉपर जस्टिस प्रोवाइड किया गया है सिस्टम की तरफ से दैन कंजरवेटिव वेलफेयर स्टेट्स हैं अब बहुत सारी ऐसी स्टेट्स हैं जिनके निज़ाम तो रवायती हैं लेकिन उनका फोकस क्या है वो अपने लोगों की वेलफेयर के लिए किसी ना किसी तरीके से कोई ना कोई प्रोग्राम जो हैं वो है वो डिज़ाइन करती हैं और कभी उसमें वो कामयाब हो जाती हैं और कभी वो प्रोग्राम जो हैं उनमें चेंजेस लाना पड़ते हैं लेकिन आज की दुनिया के अंदर भी जो डेवलपिंग वर्ल्ड का क्राइसिस है वो ये है कि वहाँ चूँकि इकनॉमिक रिसोर्सेज ज़्यादा नहीं होते तो स्टेट की प्रायोरिटी जो है वो डिफ़रेंट होती है और जब वो बहुत ज़्यादा ऐसे प्रोजेक्ट शुरू कर देते हैं जिसके लिए फॉरेन फंडिंग या लोन्स लेना पड़ते हैं तो फिर उनका जो वेलफेयर का जो ऑब्जेक्टिव है या एम है वो सफ़र करता है और फिर वहाँ लोग जो हैं वो मतमिन नहीं होते अपनी स्टेट की परफॉर्मेंस से